क्या लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे? मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। यूएस में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है। We have one more award winner in this best international creator category and he is Drew Hicks. An American with Hindi and Bhojpuri skills, and he's gained fame for fluent Hindi and Bihari accent. So, आप हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं? यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे? मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में। वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। मेरा नाम है ड्रू, मैं फ्लोरिडा से हूँ और मैं इंडिया में काफी साल के लिए रह चुका हूँ और अभी फिलहाल विदेश में रहता हूँ, थाईलैंड में रहता हूँ, बट मैं वापस शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ समर तक मैं यहाँ पे वापस अपना घर वापस आएंगे। जी, तो कैसे आपने सोचा कि यहाँ पर आया जाए इंडिया में? वो मेरा पापा एक्चुअली बचपन में यहाँ पे पढ़ाई किया और यहाँ पे बिजनेस भी किया था, तो उस टाइम बचपन में मैं कुछ 11 साल के लिए यहाँ पे रहा लगभग। उसके बाद हम लोग सब वापस विदेश गए, वहाँ पे मैंने काम किया काफी साल के लिए, बट भारत ऐसा जगह है कि जब यहाँ पे रहेंगे काफी टाइम के लिए तो पूरा घर बन जाती है, तो फिर जितना भी टाइम बाहर रहेंगे इतना और मन करेगा कि वापस आना ही आना है। तो मेरे को ऐसा ही फीलिंग हो रहा है काफी साल से कि मेरे को जल्दी वापस यहाँ पे आना है, वापस घर आना है, तो वही प्लान चल रही है अभी। मैं तो बचपन में हिंदी सीखा, तो मैं कभी कोई क्लास नहीं किया, बस राइटिंग रीडिंग का क्लास किए, बाकी सब मैं बस जैसे आप लोग हिंदी सीखते हैं क्रिकेट खेलते खेलते अपना दोस्त लोग के साथ बात करने मस्ती करने, वैसा ही मैंने भी सीखा कबड्डी खेलते खेलते, वही सिस्टम। तो मैंने कोई है ना ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया हिंदी का, नेचुरली मैंने सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई फील वेरी ऑनर्ड। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को कभी बिलीव नहीं होगा कि ऐसा मोमेंट जिंदगी में आएगा मेरा, तो अभी पूरा शायद प्रोसेस भी नहीं कर पाए कि अभी क्या हुआ है, पूरा एकदम शॉक्ड हूँ। हाँ जी जी, मैं बस पीएम मोदी जी मुझसे पूछा था कि आप अपना कंटेंट के बारे में कुछ बताइए, तो मैंने बस इतना बताया लोगों को कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोगों को खुश करें, मैं कॉमेडी कंटेंट बनाता हूँ तो लोगों को खुश करना है और भारत का नाम रोशन करना है, इतना मेरा गोल है, बाकी सब सिंपल।